हेलो मेरे फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा क्लास में। आप लोगों के निरंतर जो है कमेंट आ रहे हैं वीडियो पर कि सर ये वीडियो बनाया जाए, टाइम के अभाव में हम वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। आज मैं 9.2 रेखीय कशिकाओं का वीडियो जो है एक लेकर आया हूँ, तो आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन है हमारा 2x-3 ग्रेटर देन 7, 2x-2x इज ग्रेटर देन -4। तो यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन को पहले लेते हैं 2x-3 जो कि 7 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2x और 3 जो है ये उस साइड चला जाएगा आपका, तो 3 जब इस साइड में जाएगा तो आपका 10 हो जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपकी 5 वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ से जब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन है -4 से, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 से फिर इसमें भी डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -2। अब ये चीज़ आपकी लिमिट निकल कर आ रही है, तो यहाँ से क्या होगा, मैंने बताया है कि इसमें ये वेक्टर कब लगते हैं पहले के वीडियोज़ में, तो आप जो है इसको ज़रा वहाँ से सीन करिएगा। तो यहाँ पर है, हम इसके लिए जब सिम्बलाइज करेंगे या हम इसके लिए पहले सिम्बलाइज करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये माइनस का इनफाइनाइट था, क्योंकि एक्स जो है 5 से छोटा है। मानते हैं कि माइनस का इनफाइनाइट से 5 तक ये हमारा चला जाएगा ओपन ब्रैकेट में। फिर यहाँ पर क्या है, एक्स जो है वो -2 से बड़ा है, तो यहाँ पर इसके लिए सिंबल होगा हमारा -2 और लिमिट इसकी कितनी है 5 तक, तो आपका ओपन ब्रैकेट हो जाएगा 5 का। ये आपका आंसर हो सकता है, या हम यहाँ पर और इसको सॉल्व कर सकते हैं -∞ 5 यूनियन है, सॉरी इंटरसेक्शन -2 5, या हम इसको केवल इतना भी लिख सकते हैं -2 और 5। मैंने -2 से स्टार्ट होना, 5 तक जाना है, ये चीज। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर है 5x-1, तो 5x-1 इज लेस देन 24, तो जाएगा 5x और 24 है, ये 1 चला जाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपकी 5 से छोटी आएगी। फिर इस इक्वेशन को लेते हैं 5x+1 ग्रेटर देन है 24 माइनस के 24 से, अभी आपका हो जाएगा 5x और 1 जो है साइड में चला जाएगा, तो आपका माइनस का वो भी हो जाएगा 25, तो x की वैल्यू इस प्रकार से आपकी आ जाएगी -5। तो अगर हम डायरेक्टली इसको हम करना चाहें कि ये कैसे इसको लिखना है, तो इसके लिए हम ये माइनस का इनफाइनाइट रहेगा और 5 रहेगा, और इसके लिए हम लिख सकते हैं इसको माइनस का 5 से स्टार्ट है और 5 इक्वेशन तक गया है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 4x-1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो एक्स, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 1 उस साइड चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी आपका 1/4। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 3 और ये 4x उधर चला जाएगा हमारा। अब यहाँ से x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, गिवन करेंगे, तो हमारा 3/ ये हमारा x होगा और उसके बाद ये आपका 3 के नीचे अपान में 4 हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर देखिए
एक्स इज ग्रेटर देन है 3/4 है, और यहाँ एक्स जो है 1/4 इसके बराबर है। तो यहाँ पर जो है इसके कोई हल हम विशेष निकाल इसके नहीं पाएंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन हमारा है एक्स प्लस 5, ये ग्रेटर है जो दिया गया है, तो इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं 2x+2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको उस साइड में ले जाते हैं या इसको हम इस साइड में ले जाते हैं, तो x माइनस का 2x हो जाएगा, और ये 5 है तो 5 जो है इसके बाद आ जाएगा, तो माइनस एक्स, और ये आपका माइनस का 3, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा x 3 हो जाएगा। यहाँ दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 माइनस का एक्स है, 3x+2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स ब्रैकेट ओपन करेंगे 3x और प्लस का कितना हो जाएगा 6। अब ये इस साइड में लाएंगे x को, तो माइनस एक्स और 3x उधर, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये 6 है और ये उधर चला जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 4x और ये आपका हो जाएगा 2। यहाँ पर 6 से 2 जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे हम, तो आपका हो जाएगा x की वैल्यू आपकी गिवन होगी माइनस का 4, कितना सॉरी माइनस का 1, 4/4 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से, माइनस के 1 से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा, और वो ओपन ब्रैकेट रहेंगे, ये आपका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है 5x/4। तो एक इक्वेशन लेते हैं 5x/4 प्लस 3x/8, ये बड़े हैं 39/8 के, तो अब यहाँ पर क्या करोगे, एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम आपका हो जाएगा कितना 8। तो जब एलसीएम आपका 8 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10 प्लस ये आपका हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 39/8। 8 से 8 कट करेंगे, ये आपका 13 हो जाएगा, 13x और यहाँ पर 39। अब 13 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसको यहाँ देख लेते हैं। ये हमारा है 2x-1/12 माइनस एक्स माइनस 1/3, ये लेस देन है 3x+1/4 के। तो अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे इसका, या इसको हम उस साइड में ले जाकर हल कर सकते हैं क्योंकि x दोनों में दिया गया है, या यहीं पर कर लें, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 2x-1 यहाँ पर 4 ब्रैकेट में x-1, इसको ये यहाँ पर हो जाएगा 3x+1/4, ये होगा आपका। उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इससे चाहे तो कट कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 2x-1-4x और प्लस का 4, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, इससे इसको कट करेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 3x+1। अब 4x से 2x निकल जाएगा तो माइनस का 2x हो गया, 4 से 1 गया तो माइनस का सॉरी प्लस का 3, और 3 से इसको करेंगे तो 9x और प्लस का कितना हो जाएगा 3। अब 9 को इधर ले आते हैं तो आपका हो जाएगा माइनस का 2x और ये 9 इधर आएगा तो माइनस का 9x और ये आपका कितना हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको हो जाएगा माइनस का 7x 0x, यहाँ पर इसकी वैल्यू आपकी 0 आएगी। जब ये 0 आ जाएगी तो आप इसको सिंबलाइज कर सकते, अभी आपको हो जाएगा ओपन में 3 और ये 0 दिया गया है, तो ये ओपन में ही 0 हो जाएगा, ये आपका।